हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बायजूस के बारे में। बायजूस एक यूपीएससी का कोर्स भी कंडक्ट कराता है, ठीक है, और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है उसका एवरी संडे। तो मैंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मेरे जो वहाँ पर परसेंटाइल था बहुत अच्छा आया था। उत्तराखंड में आई थिंक 89-90 के अप्रॉक्स में मेरा परसेंटाइल था, ओके, थर्ड नंबर पे था। तो मुझे बायजूस की साइड से स्कॉलरशिप मिली थी, ओके। स्कॉलरशिप मिलने के बाद बहुत ही कम अमाउंट में, वैसे तो वहाँ की फीस 1 लाख है, बट मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। उसके बाद डिस्काउंट के बाद मैंने वहाँ से कोर्स परचेज़ किया, तो मुझे बहुत सारी बुक्स मिली। तो मैं आपको वो शो कराऊंगी बुक्स के बारे में कि ये बुक्स कौन कौन सी मिली थी। तो सभी बुक्स हैं हमारे पास जो हम वहाँ से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप चाहते हैं आप भी ले सकते हैं, ओके। फर्स्ट बुक है ये बायजूस की, आईएएस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसमें पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है, इसमें सिर्फ वो पार्ट होते हैं जो हमारे आए हुए हैं एग्जाम में। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं वहाँ पर आईएएस पीसीएस में, यूपीएससी में, वो हमें हमारी क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये है हमारे पास एटलस, ये एटलस की बुक है, ठीक है, ये हमारे पास एटलस की बुक है ऑक्सफोर्ड की, उसी से रिलेटेड है ये। भले ही यहाँ पर बायजूस का है ये लोगो, बट ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हम यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बुक बात बच्चों आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ये है हमारे पास यूपीएससी की जनरल स्टडीज़ प्रीलिमिनरी प्री के पेपर है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सी सेट का, और जो फर्स्ट वाला पेपर होता है जीएस का, उसके सभी पेपर्स हैं, ठीक है। कब से कब तक के, 2011 से 2021 के सभी इसमें एग्जाम पेपर्स हैं। ये बहुत अच्छी है, यहाँ से तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी होती है, ठीक है। मेरे पास पहले भी बुक है, सो मैं उसमें से उसको रीड करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है हमारे पास। उसके बाद बच्चों ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी के भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स गिवन है, ओके, आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स इसमें गिवन है। ये हो गए हमारे पास टॉपिक्स, ओके। तो ये ज्योग्राफी की बुक है, ये ज्योग्राफी की बुक हो गई हमारे पास। उसके बाद बच्चों हमारे पास बुक है गवर्नेंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। ये किसकी बुक हो गई, गवर्नेंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये बुक यहाँ से हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये बुक यहाँ पर हमने देख ली, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पॉलिटी के साथ हमें ये सेकंड पेपर में हमारे काम आएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की आपके पास ये रही बुक, ओके, ये बहुत ही अच्छी बुक है डिजास्टर मैनेजमेंट की भी। इसमें भी मतलब अगर आपका बेसिक्स बिल्कुल नहीं है, आपसे नहीं आता है, आपको नहीं पता क्या परचेज करना है, इफ़ यू विल परचेज दिस कोर्स दैट इट विल बी अ वेरी बेनिफुल, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट के लिए होगा। उसके बाद बच्चों ये है हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक, ओके, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आ जाएगी हमारी, एंड इसमें सभी पार्ट्स दे रखे हैं इसके ना, चैप्टर्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, एक्सेट्रा, सभी दे रखा है। कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, सो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सो यहाँ से कोर्स से हमारा बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको शो कराऊंगी, ये है हमारे पास इंडियन एंशियंट पास, हमारी जो हिस्ट्री है वो आपकी 4 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। सबसे वास्ट सिलेबस हिस्ट्री का है हमारा, ठीक है, उसमें एंशियंट भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत ही वाइड कल्चर है इसका। तो इसमें हम कन्फ्यूज रहते हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। तो ये क्या है, इंडियाज इन एंशियंट पास्ट है, ये भी हमारे आर एस शर्मा की बुक है, जो हमारे एनसीईआरटी होती है सिमिलर उसी के जैसे, आर एस शर्मा ही है, पास्ट एंशियंट के बारे में बताता है। उसके बाद बच्चों मेडिवल है, इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, मेडिवल में लेकिन 2 और 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और हमारा मेंस में तो इसमें कुछ नहीं आता है, सिर्फ हमारा प्री में आता है इसमें से, और 2 और 3 क्वेश्चन। और ये हमारी विपिन चंद्रा की बुक है, सॉरी बच्चों ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ये कौन सी बुक है, ये हमारी मॉडर्न इंडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो ये किस कौन सी बुक है हमारे पास, मॉडर्न इंडिया की बुक है, ओके। मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ, मैं इस मेरे पास स्पेक्ट्रम है, मैंने इससे पहले परचेज कर ली थी, तो मैं उससे रीड करती हूँ उसको। ये हमारे पास जो सेकंड वाली बुक है, ये हमारे पास मेडिवल इंडिया है, ठीक है, ये मेडिवल इंडिया है, ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हो गई हमारे पास, ओके। तो ये भी इसमें से हमारे पास 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमारा 40 मार्क्स का इजीली आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं रीड करती, मेरे पास स्पेक्ट्रम है, मैं उसको पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये है हमारे पास सी सेट का, एक पूरी बुक है सी सेट की, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू आर वीक यू कैन रीड ऑल बुक, इफ़ यू आर अ गुड, अगर आप अच्छे हैं सिर्फ आप पेपर दे सकते हैं, आपके पास प्रीवियस पेपर है वो दे सकते हैं, जिस पॉइंट में वीक होंगे आप उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मेरा फेवरेट है आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको शो करूँगी कहाँ से बनाए हैं। ये उसकी बुक है, आर्ट एंड कल्चर की बुक है, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर की हमारे पास बुक
है। उसके बाद बच्चों ये है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, जो मुझे सबसे टफ लगती है इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों ये हमारे पास इंडियन इकोनॉमी की बुक मिली थी, तो इसमें भी बहुत अच्छे से दे रखा है, समझाया हुआ भी है, सिर्फ बुक्स नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी सभी कि कैसे क्या क्या कराया है इन्होंने। ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है, ठीक है। तो सभी बुक्स यहाँ पर हैं हमारे पास। ये बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हमारे रिलेशंस कैसे हैं अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज़ के साथ, और स्टेट्स के बारे में भी है, ठीक है। कैसे हम करते हैं, ये हो गया हमारा स्टेट्स के बारे में। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, हमारे बीच में जो हमारे अंदर की सिक्योरिटी है उसको क्या 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 चैलेंजेस हैं जो हमें देखने होते हैं। एज आईएएस ऑफिसर आप बन जाएंगे, सो आप कैसे चैलेंजेस को हैंडल करेंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल स्टडीज़, यूपीएससी की, ये क्या है, मेंस के एग्ज़ाम होते हैं इसमें सारे के सारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी एग्ज़ाम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस गिवन है, जैसे सपोज फर्स्ट पेपर हो गया हमारा, पेपर फर्स्ट 2011 का आई है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विद आंसर, तो आप देख सकते हैं इसका अप्रोच क्या है, क्वेश्चन का आंसर कैसे अप्रोच करता है ये, ठीक है। सो यू कैन सी इजीली, ओके। नेक्स्ट है बच्चों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये इजी लगता है मेरे को, सबसे इजी लगता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, शायद इसलिए हम साइंस वाले बच्चों को ये इजी लगता है। तो इसमें भी सारे चैप्टर्स ये गिवन है हमारे, ठीक है। मैं बुक से नहीं रीड करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे करती हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन परचेज दिस कोर्स, ओके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कोर्स, मुझे कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी इसमें कमी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इंडियन पॉलिटी की बुक है, ये इंडियन पॉलिटी, ओके। तो ये तो मेरी मतलब मुझे को सबसे अच्छी लगती है, मैंने सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया है इसी के साथ किया है अभी तक, और मुझे अच्छी लगती है ये पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि ये हमें राइट्स बताती है, हमारे राइट्स क्या हैं जो हमें नहीं पता है होते हैं ना, साइंस वालों को तो बिल्कुल नहीं पता होते, साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं ना उनको कुछ नहीं पता होता इस बारे में, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमें आ रहे राइट्स हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, असेंबली, फ्रीडम मूवमेंट वगैरह सब कुछ है ना, तो इसको बहुत ही अच्छे पार्ट में डिवाइड किया, जो हमारी लक्ष्मीकांत है ना बच्चों, बिल्कुल सेम उसी का है, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन एक दो पॉइंट नहीं होगा, अदरवाइज इसमें सभी हैं, सब पॉइंट्स हैं लक्ष्मीकांत के जैसे। ये जो न्यू एडिशन है लक्ष्मीकांत का, सेम वही है, बट इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो ज़्यादा पार्ट आता है हमारा, बार बार आ रहा है जो एग्ज़ाम में, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं है, आप घर पर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको आइडिया नहीं मिलता कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, साइंस बैकग्राउंड वालों को कुछ नहीं पता होता है ना। सो अगर आप बिगिनर हैं, सो यू कैन परचेज दिस कोर्स, आपको यहाँ पर सारे की सारी सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से अच्छे से परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेरा फेवरेट, हमेशा से फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट, दैट इज़ एथिक्स, ठीक है। मुझे सबसे अच्छा लगता है इसमें लिखना, क्योंकि ऑनेस्टी मेरे अंदर है, सो मैं इसमें लिखने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ऑनेस्टी होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो ये बहुत ही इजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये एथिक्स की बुक है बच्चों। मैं कैसे करती हूँ, ये जैसे हमारे पास बुक मिली है, उसके बाद बच्चों ये मुझे एक टैबलेट मिला था बायजूस की साइड से, इसके अंदर सभी वीडियोस प्रेजेंट है। इस टैबलेट के अंदर अगर आप ओपन करेंगे इसको, तो इस टैबलेट के अंदर आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी, सभी जितनी बुक्स मैंने आपको शो कराई है ना, उन सभी की वीडियोज़ विद समझा के, एक ऐसे टीचर्स ने समझाया हुआ है इसके अंदर जो यूपीएससी क्वालिफाइड कर चुके हैं, ठीक है, उन सबका वीडियोज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे एप्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये मुझे, ये भी मुझे बायजूस की साइड से मिला था, ये सभी बुक्स और ये टैबलेट, ओके। ये बुक्स मिली थी और ये टैबलेट मिला था, और ये था मैंने जो कोर्स परचेज किया था वो 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए था, ठीक है। 1 साल आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है बायजूस का, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ये टैबलेट, इज स्टार्टिंग। तो इसमें क्या है, सभी क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, डेली लाइव क्लास होगी। आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप पहले क्या कर सकते हैं, इसको ले लें, अपना बेसिक अच्छा करें, आपका बेसिक अच्छा हो जाए तो आप अपनी जॉब को लीव करके जैसे भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं। देखो इसके अंदर भी आपकी बायजूस प्रीमियम, जीमेल, जो जो मतलब इसमें पता है अच्छी बात क्या है, अगर आप इसको नेट से कनेक्ट करोगे ना, अपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे, इसके अंदर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ प्ले नहीं कर सकते, आप YouTube की रील नहीं इसमें देख सकते हो, आप इंस्टा नहीं चला सकते हो, तो PIB है, ड्राइव है, किंडल है, आप बुक्स रीड कर सकते हो यहीं से, ठीक है, बहुत अच्छा ये ऐप है। उसके बाद बच्चों अगर आपने इसको किया है, यहाँ से आप इसको
आप यहाँ से बायजूस प्रीमियम को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जो टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रीलियम ईयर्स के क्वेश्चन हैं। पॉलिटी, सपोज पॉलिटी है यहाँ पे, तो पॉलिटी के मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं। मैं कैसे करती हूँ, तो पॉलिटी के सपोज जैसे मैं नोट्स बना लेती हूँ पहले, ठीक है। कॉपी बनाई हुई है मैंने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग, मैं इसमें से नोट्स बनाती हूँ पहले, नोट्स प्रिपेयर करूँगी उसको। आप इसके वीडियो को 3 टाइम्स देख सकते हैं, वीडियोज़ को सीन किया, उसके बाद बुक्स को रीड करना होता है। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देयर इज अ सेक्शन इन दिस लॉ दैट इफ यू यूज एन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पॉलिटी के सारे हुए लेक्चर, सभी लेक्चर्स इसके अंदर है, और एक एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इन्होंने, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। बच्चों, साइंस में जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हमें दोनों पता होने चाहिए, प्रोज भी एंड कॉन्स भी। अगर कुछ भी हो रहा है, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि ये बस सही हो गया सही हो गया, उसका हमें प्रोज भी सोचना होता है, कॉन्स भी सोचना होता है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा रहे हैं, यानी हम लोगों के लिए काम करने वाले हैं, तो उसका प्रोज और कॉन्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी के नोट्स, हिस्ट्री के हैं, कंपलसरी लैंग्वेज है, मेंस के पेपर हैं, एसे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, और सोशल इश्यूज है हमारे, इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सी सेट है। तो मैंने इसमें से बच्चों क्या क्या किया है, मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया है, इसके नोट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और ज्योग्राफी है जो हमारा, वो हमारा चल रहा था, मेरा चल रहा था, इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है मेरा, हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है बच्चों, वो मैंने इसमें से नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, मैंने अलग से बना दी मैं उसके नोट्स, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन लग रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने का कुछ नहीं था। ये मैं अपने साइड से करूँगी बच्चों। कंपलसरी लैंग्वेज, ये हमारी 2 लैंग्वेज होती है, ठीक है। मैं आपको पेपर का जब पैटर्न बताऊँगी आप देख सकते हैं इसके बारे में। कंपलसरी लैंग्वेज में से मैंने इसमें से नहीं किया, मैंने अलग से किया है, मैंने जैसे बीएड किया हुआ है तो मैं उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देती हूँ, जैसे EDSSB KVS का, सो इंग्लिश में वहाँ से करती हूँ, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस गिवन है, सारे क्वेश्चन गिवन है, जो मैंने आपको बुक दिखाई है ना बच्चों, एक एक क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, और एक एक बहुत ही अच्छे से गिवन है इसमें, कि उसने मतलब कैसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, कैसे उसकी बॉडी लिखेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसा उसका कंक्लूजन लिखेंगे, पूरा इसके अंदर गिवन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सोशल इश्यूज़ होगा, ये भी मुझे अच्छा लगता है, सोशल इश्यूज़ अच्छा लगता है। सी सेट के बारे में है, अगर आपको कहीं पर भी कोई सा भी, सपोज़ आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो आप मैथ्स कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा आपका वीडियो है, बहुत ही लेंथी वीडियोज़ हैं ये, मतलब आप बोर नहीं होंगे, 1 आवर की एक, लेकिन एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। जैसे पॉलिटी है ना, तो 145 वीडियोज़ हैं, तो अच्छे से एक एक 1 आवर के ये टॉपिक्स हैं हमारे, और इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सभी टॉपिक्स अच्छे हैं, अगर आपका फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका यहाँ से बेस बन जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस आप कितनी भी कर सकते हैं, यूपीएससी को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर करना है, और ये तो हमारा बच्चे स्टेटिक पार्ट हो गया, ठीक है। करंट में ये क्या करते हैं, लाइव क्लासेस होती है, तो डेली द हिंदू एनालिसिस देते हैं ये, बहुत अच्छा सा एनालिसिस होता है इनका, मुझे लगता है, और टोटल इंग्लिश में होता है। अगर आप हिंदी में परचेस करना चाहते हैं वो टोटल हिंदी में होगा, मैंने इंग्लिश में परचेस किया था तो मेरा इंग्लिश में है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमें देता है, तो इसमें ये क्या करते हैं, हमें पूरा का पूरा एक करंट अफेयर की डेली 2 हमारे पास मैगजीन सेंड करते हैं, उसके बाद जो भी PIB के नोट्स होते हैं, करंट अफेयर के नोट्स होते हैं, वो हमें डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में ये प्रोवाइड करते हैं हमारे मेल पे, ठीक है। और चलो ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।